हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है, मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ। अदरवाइज जितना भी मैंने ट्यूटोरियल शॉर्ट्स बनाया हुआ है उसमें कोई वॉइस ओवर या कैमरे के सामने मैं कभी आया नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मतलब कैसे घबराहट सा हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जब भी हम लोग बाहर या कहीं पर भी हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो कभी कभी उस वीडियो में कुछ क्लिप्स शेकी आ जाता है, तो उसको हम लोग किस तरह से उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं प्रीमियम प्रो पे, किस तरह से उस वीडियो को हम लोग स्मूथ बना सकते हैं प्रीमियम प्रो पे, आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ सीधा डेस्कटॉप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्लिप लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मेनू में। यहाँ से हम लोग एक क्लिप लेते हैं, जैसे कि ये क्लिप है, आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड। तो इस क्लिप को पूरा नहीं लेंगे, जहाँ पे मेरे को लगता है ये फुटेज इस क्लिप में अच्छा लग रहा है वहाँ तक ही लेंगे। चलिए यहाँ से मैं देखता हूँ ये शॉट्स यहाँ तक अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्ले करके देखता हूँ, काफ़ी शेक आ रहा है इस फुटेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वार्प, WARP, वार्प। वार्प के नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा ये वीडियो इफेक्ट डिस्टॉर्ट पे आपको दिखेगा वार्प स्टेबलाइजर, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ ही आपको दिखेगा एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 of 2। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल पैनल पर अगर जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये रहा, यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे एक एक फ्रेम को ये स्टेबलाइज करने की अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेबलाइज्ड। तो चलिए इसको प्ले करके एक बार देखते हैं, काफ़ी हद तक ये स्टेबलाइज्ड हो चुका है। चलिए इसको एक बार कंपेयर करके देखते हैं हम लोग, फिर से वही फुटेज यहाँ पर टाइमलाइन पे लाते हैं और एक बार चालू करके देखते हैं। देखिए कितना शेक हो रहा है ये। हम इस फुटेज को सिलेक्ट करते हैं और जिसको हम लोग स्टेबलाइज किए हैं उसको देखते हैं, देखिए कितना स्लो स्मूथ हो गया है। फिर से और एक बार ट्राई करते हैं ये कितना सेक है। चलिए ये तो हो गया वार्प स्टेबलाइजर, लेकिन अगर इसी फुटेज को हम लोग नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं, ये जो फुटेज है जो शेकी फुटेज है इसको अगर स्लो मोशन में लाते हैं और उस पर वार्प स्टेबलाइजर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग स्लो मोशन करते हैं, राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके 50 करते हैं, इसको अब प्ले करते हैं। अगर हम लोग इसको इफेक्ट में जाके वार्प स्टेबलाइजर इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या दिखाता है, यहाँ पर ये स्टेबलाइज नहीं होगा, सेम क्लिप पे यहाँ पर नहीं होगा लिख के दे रहा है, वार्प स्टेबलाइजर एंड स्पीड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सेम क्लिप। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको पहले अंडू करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको करते हैं नेस्ट, ओके। अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या दिखाता है, यस ये एनालाइज बैकग्राउंड कर रहा है, बैकग्राउंड का एनालाइज कर रहा है। जाते हैं कंट्रोल इफेक्ट पे, यस ये कर रहा है, ये दिखा रहा है। यहाँ पे भी फिर से टाइम लेगा, तो देखिए ये स्टेबलाइज हो चुका है। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं,
और ज़्यादा स्मूथ हो गया है, क्योंकि स्लो मोशन में ही पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका था। इस पर अगर हम लोग स्टेबलाइज यूज़ करते हैं तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।